नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हाई रेव इंडिया में। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 10 शानदार गाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, भारतीय सेना दुनिया की तीसरी बड़ी सेना है। ये सबसे ताकतवर फाइटिंग फोर्सेस में से एक है। भारतीय सेना को मजबूत बनाने का काम कई व्हीकल्स कर रही है, जिनमें कार, बाइक, ट्रक और टैंक शामिल है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में उन गाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो मुश्किल से मुश्किल भरे जगहों पर भारतीय सेना की मदद करती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकेंगे कि वो कौन सी गाड़ियां हैं जिन पर इंडियन आर्मी भरोसा करती है। खास बात यहाँ ये है कि इनमें ज्यादातर टाटा और मारुति सुजुकी की गाड़ियां शामिल है। आज हमने अपने इस वीडियो पर लाइक का टारगेट 10,000 का रखा है, तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, वीडियो देखने के बाद इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। नंबर 1, टाटा मर्लिन LSV। मर्लिन में 4x4 व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है। वही इसमें एडवांस टायर इन्फ्लेशन सिस्टम दिया गया है, जिसके चलते ये फ्लैट टायरों पर भी चल सकता है। इस सिस्टम की खूबी है कि ज्यादा ट्रैक्शन के लिए ये टायरों में हवा का दबाव कम कर सकता है, और वहीं जरूरत पड़ने पर बिना किसी बाहरी स्रोत के टायरों में हवा भरी जा सकती है। मर्लिन में ब्रेकिंग के लिए चारों पहियों में वैक्यूम असिस्टेड ब्रेक्स के साथ हाइड्रोलिक बूस्टर्स लगे हैं। साथ ही चारों पहियों में अलग अलग सस्पेंशन दिया गया है। मर्लिन में मिलिट्री ग्रेड दरवाजे और बुलेट प्रूफ विंडो दी गई है। वही इसके छत पर 7.5 mm मीडियम मशीन गन रखने के लिए स्पेस दिया गया है। साथ ही 40 mm का ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर भी दिया गया है। साथ ही इसमें एंटी टैंक मिसाइल भी इंस्टॉल की जा सकती है। इसमें बड़े व्हील बेस के साथ पीछे की तरफ अतिरिक्त व्हील दिया गया है। मर्लिन में 3.3 लीटर का लिक्विड कूल डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन दिया गया है। ये कॉमन रेल टर्बो इंजन 3200 RPM पर 185 ब्रेक हॉर्स पावर की पावर और 2400 RPM पर 450 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। सुरक्षा के लिए मर्लिन LSV में 7.6 mm का मशीन गन और 40 mm का ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर इंस्टॉल किया गया है। इसमें स्टैंग 4569 Level 1 प्रोटेक्शन दिया गया है। नाटो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये सबसे ज्यादा सुरक्षित आर्मी व्हीकल है। नंबर 2, वाइपर। वाइपर का इस्तेमाल डिफेंस और अटैक दोनों के लिए किया जाता है। भारतीय सेना की भरोसेमंद इस गाड़ी को श्री लक्ष्मी डिफेंस सॉल्यूशंस कंपनी बनाती है। ये हार्ड आर्म व्हीकल है। इसमें बुलेट, लैंड माइन और ब्लास्ट प्रूफ जैसी खासियतें हैं, जो मुश्किल जगहों पर भारतीय सेना की मदद करती है। इस गाड़ी में 6 कमांडोज की बैठने की जगह होती है। इस गाड़ी की इनर वॉल बैलिस्टिक ब्लैंकेट्स की बनी हुई है, जो बम से होने वाले हमलों में भारतीय जवानों की जान बचाती है। इसका लोअर पैनल बुलेट प्रूफ शील्ड है, जिसे सेना इमरजेंसी ऑपरेशन के समय इस्तेमाल करती है। नंबर 3, टाटा MPV। टाटा MPV यानी माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल को टाटा मोटर्स बनाती है। टाटा MPV में 4x4 व्हील ड्राइव कॉन्फिगरेशन था है। ये गाड़ी बुलेट प्रूफ, लैंड माइन और ग्रेनेड प्रूफ कैपेबिलिटी से लेस है, यानी इस पर गोलियां, बम और माइंस का कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसमें पावर के लिए 242 ब्रेक हॉर्स पावर का टर्बोचार डीजल इंजन दिया गया है। इसकी टॉप स्पीड 80 km/h है। इस गाड़ी का इस्तेमाल माइन प्रूफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल के तौर पर होता है। इसका इस्तेमाल इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए किया जाता है। नंबर 4, महिंद्रा मार्क्समैन। महिंद्रा मार्क्समैन एक बुलेट प्रूफ कॉम्पैक्ट व्हीकल है, जिसे खास तौर पर आतंकियों और अराजक तत्वों का मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है। ये एक बेहद ही सुरक्षित वाहन है, जिसका इस्तेमाल मुंबई पुलिस करती है। तो चलिए जानते हैं क्या है इसकी खासियत। मुंबई पुलिस के महिंद्रा मार्क्समैन को कई संवेदनशील जगहों, जैसे हवाई अड्डों और कई सरकारी भवनों में तैनात किया गया है। मार्क्समैन पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, और इसमें कई जगहों पर गन माउंट दिया गया है, जिसे अंदर बैठे हुए लोग आतंकियों पर गोली बरसा सके। मार्क्समैन में 360 डिग्री व्यू मिलता है, जिससे अंदर बैठकर आसानी से बाहर मौजूद अराजक तत्वों पर नजर रखी जा सकती है। इसका CRD डीजल इंजन 120 ब्रेक हॉर्स पावर की पावर, वही इसका DI इंजन
115 ब्रेक हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है। कार के दोनों इंजन 5 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन से लेस है। महिंद्रा की ये लाइट कॉम्पैक्ट व्हीकल लेवल B6 स्टैंडर्ड पर बेस्ड है, जो इसमें सवार लोगों को छोटे हथियारों के हमलों के साथ हैंड ग्रेनेड के हमलों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। महिंद्रा मार्क्समैन को महिंद्रा बनाती है। 26/11 मुंबई हमलों के बाद इसका और भी ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है। मार्क्समैन का इस्तेमाल इंडियन आर्मी के साथ साथ कोलकाता पुलिस भी करती है। इसके अलावा मार्क्समैन का इस्तेमाल काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में भी किया जाता है। इसमें 2.6 लीटर का टर्बोचार डीजल इंजन फिट किया गया है। इसमें 6 लोगों की जगह होती है। इसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की है। महिंद्रा मार्क्समैन देश की हाईटेक आर्म व्हीकल में से एक है। भारतीय सेना ज्यादातर इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में करती है। नंबर 5, अशोक लेलैंड MBPV। ये आर्मी की तरफ से ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली व्हीकल्स में से एक है। इसमें ब्लास्ट प्रूफ प्रोटेक्शन दिया गया है। इस MBPV में 8 किलोग्राम का TNT एक्सप्लोजन इंस्टॉल किया गया है। इसमें 360 डिग्री PTZ कैमरा दिया गया है, जो सर्विलांस में मदद करता है। इसके अलावा इसमें 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा मिलती है। नंबर 6, टाटा WHAP। ये भारत का पहला इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल है। हर प्रकार की परिस्थितियों में काम करने में सक्षम है। जंग की परिस्थितियों को देखते हुए डिजाइन सटीक है। टाटा ने इसे DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर बनाया है। ब्लास्ट प्रोटेक्शन, बैलिस्टिक प्रोटेक्शन और NBC प्रोटेक्शन से लेस है। 10+2 सीटिंग कैपेसिटी है। CBRN व्हीकल, रेकी एंड स्पोर्ट व्हीकल, मेडिकल एविक्यूएशन व्हीकल, इंजीनियर स्क्वाड, मोटर कैरियर, कमांडर व्हीकल जैसे वेरिएंट में मौजूद है। बीमस्टेक 2018 के दौरान टाटा मोटर्स के डिफेंस एंड गवर्नमेंट बिजनेस के वॉइस प्रेसिडेंट वनार नोरो नाहा ने कहा कि टाटा 4x4 माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल और WHAP 8x8 इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल काउंटर इमरजेंसी के साथ साथ कॉम्बैक्ट ऑपरेशन में भी मदद करेगा। बता दे कि टाटा मोटर्स के हाल ही में बीमस्टेक देशों के साथ मिलिट्री व्हीकल सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जिसके तहत कंपनी म्यांमार को टाटा जेक्सनॉन GS-800, यूनिफिल, मोनुस्को, माली मिशन के लिए टाटा माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल और UN शांति मिशन के लिए मिशन स्पेसिफिक लॉजिस्टिक व्हीकल सप्लाई करेगी। नंबर 7, अशोक लेलैंड मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल। अशोक लेलैंड के इस सैन्य सुरक्षा वाहन का इस्तेमाल रेड कॉरिडोर्स के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। अपनी बेहतरीन बैलिस्टिक और ब्लास्ट प्रोटेक्शन फीचर्स के चलते ये 8 किलोग्राम विस्फोटक को सहने की क्षमता रखती है। इसमें 360 डिग्री PTZ कैमरा लगा है, जो सर्विलांस के साथ 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। इसमें 10 लोग सफर कर सकते हैं और ये HVAC एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ आती है। नंबर 8, MEVA स्ट्रैटॉन प्लस। महिंद्रा ने फोर्ड के साथ मिलकर इस वाहन को बनाया है। इसमें फोर्ड का F550 6.7 लीटर टर्बोचार डीजल इंजन लगा है, जो 300 ब्रेक हॉर्स पावर की पावर और 894 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये लाइट आर्म व्हीकल और लाइट टेक्टिकल व्हीकल वर्जन के साथ आता है। इसमें 12 लोगों को ले जाने की क्षमता है। इसमें अलग से सीट बेल्ट, ओक कैबिन AC के साथ टायर इन्फ्लेशन सिस्टम और हेवी ड्यूटी सस्पेंशन फीचर मिलता है। नंबर 10, रेनॉल्ट शेरपा। CRPF और NSG में शामिल शेरपा गाड़ी वाकई शेर है। ये बुलेट प्रूफ फौलादी गाड़ी है, जिसका इस्तेमाल पहली बार श्रीनगर के करण नगर इलाके में आतंकियों से लोहा लेने में किया गया था। CRPF की क्विक एक्शन टीम के दस्ते में शामिल ये स्पेशल कॉम्बैक्ट व्हीकल पर 10 किलो RDX, IED और लैंड माइन भी बेअसर है। ग्राउंड क्लियरेंस बेहतर होने की वजह से ऑफ रोड मसलन पानी, कीचड़ आदि से पार पाने के लिए बेहतरीन है। 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार तुरंत पकड़ती है। शेरपा को फ्रांस की रेनॉल्ट कंपनी ने बनाया है। इसमें ड्राइवर, को ड्राइवर समेत 4 लोग बैठ सकते हैं। हर दरवाजे में बंदूक की नली के लिए जगह दी गई है। CRPFO NSG की क्यूटी में इसके शामिल होने से इस टीम की क्षमता और बढ़ गई है। वो अब किसी भी तरह के ऑपरेशन को आसानी से अंजाम दे सकती है। इसमें 4.7 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलता है, जो 215 ब्रेक हॉर्स पावर की पावर और 800 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस कार का वजन करीब 11,000 किलोग्राम है। सेना के सारे आर्मर के साथ भी इसकी स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है।
शेरपा का फ्यूल टैंक काफी बड़ा है। ये कार फुल टैंक पर 1000 किलोमीटर तक चलने की क्षमता रखती है।